हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास रियलमी का C55 फ़ोन और आज मैं आपको 45 प्लस फीचर्स आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन का। तो आप अगर 11,000 के बजट में एक अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि गाइस 11,000 में आपको आईफोन 14 का जो फीचर्स है ना वो आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारा फीचर्स आपको बताते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्नोमास्टर। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो गाइस, सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल फीचर्स। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नया नया फीचर्स भी है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री फिंगर जो है इस तरीके से स्वैप आप कीजिएगा। यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये गूगल ओपन कर लिए, थ्री फिंगर इस तरीके से स्वैप अप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे गैलरी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। आप दो वर्क एक साथ कर सकते हैं, मल्टीटास्क भी कर सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों एक साथ चला सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो गाइस, यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, रिसेंट बार ओपन कर लेना है, ओके। और जो भी आपको फ्लोटिंग विंडो में चाहिए, जैसे अमेजोन चाहिए मेरे को, यहाँ पे देखिए रिसेंट बार ओपन किया, थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग विंडो है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जिस जगह पे ले जाना है, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ये देखिए ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा जिसे आप शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अपने हिसाब से दोस्तों एडिट करके भी ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये शॉर्टकट आपको मिल जाता है स्लाइड बार में। यहाँ पे देख सकते हैं किड स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल मोड दिया गया है। आप अगर कोई बुजुर्ग को ये फ़ोन देना चाहते हैं तो सिंपल मोड एनेबल करके दे दीजिए। जो आइकन है ना वो दोस्तों थोड़ा बड़ा बड़ा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी इजी हो जाएगा, लाइट वेट जैसे होता है ना फ़ोन, उस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनेबल करके दे सकते हैं। ये देखिए स्विच कर दिया हूँ मैं और ये देखिए बड़ा बड़ा दिखने लगा, फ़ोन जो है एकदम सिंपल मोड हो जाएगा। बेकार का ऑप्शन जो भी था वो आपका ऑफ हो जाएगा, एकदम सिंपल मोड। यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा कुछ सेटिंग रहेगा ही नहीं। यहाँ पे एग्जिट सिंपल मोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको गेसर एंड मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ गेसर है। इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, ओके। इसे ऑन करिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों ये आपका ऑफ रहेगा, ये वाला ऑफ रहेगा, इसे ऑन करने के बाद ये सारा फीचर्स खुल जाता है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसे ऑन कर लेने के बाद क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा स्क्रीन लॉक हो जाएगा, जब भी स्क्रीन ऑफ रहेगा डबल टैप करने के बाद स्क्रीन ऑन हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा है, जब भी स्क्रीन लॉक रहेगा ओ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी ड्रॉ करने से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये ऑन कर लीजिएगा, ये देखिए स्क्रीन लॉक है, इस तरीके से वी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, और फिर वी ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑफ भी हो जाता है, ये देखिए। और यहाँ पे गाइस आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से पैटर्न है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उसी के नीचे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट ऑन करके रखिएगा, इस तरीके से थ्री फिंगर लीजिएगा और इस तरीके से स्वाइप करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन शॉट हो जाएगा, जो भी पेज पे आपको स्क्रीन शॉट लेना है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे स्लाइड पर जो ऑन किए हैं आप, इसमें भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली टैप कीजिएगा तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह इनेबल करके आप ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं। थीम का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो थीम पसंद आए उसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से फ्रंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, और फ्रंट का साइज वगैरह भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है।
बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस आइकन का ऑप्शन मिलता है, तो आइकन आपको कौन सा शेप में चाहिए यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, छोटा बड़ा सब चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप इस फ़ोन में कर सकते हैं। बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो आप अपना फ़ोन का जो UI है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपना पसंद से रख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको जो ऊपर से ड्रॉअर होता है किस तरीके से चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर शेप में चाहिए, आइकन वगैरह क्या चाहिए, सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके लिए भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है, ऐप लॉक ऑन कर लीजिए यहाँ से, और सेटिंग में जाने के बाद आप अपना पैटर्न वगैरह सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैं पैटर्न दे देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना पैटर्न सेट कर लिए, कौन कौन सा एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे ऐप लॉक लगाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे सेटिंग पे जाने के बाद ये जो लॉक ऐप विन है ना इस पर क्लिक करके यहाँ पे एग्जैक्टिंग द ऐप पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि गाइस जब भी आप यहाँ पे अमेजोन ओपन कीजिएगा देख सकते हैं पासवर्ड मांगेगा, और बैक करने के बाद फिर से गाइस आप जब भी खोलिएगा तो यहाँ पे आपका पैटर्न मांगेगा, तो इससे ये होगा कि आप जितना बार भी एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा उतना बार पासवर्ड मांगेगा, वो वाला ऑप्शन एनेबल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्शन तो ले लिए हैं, लेकिन स्पीड जो है वो दोस्तों यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेटस बार, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये आपका ऑफ है, ओके फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी स्पीड यूज होगा, नेट खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बैकग्राउंड में सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको शो करने लगेगा ये वाले जगह पे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वगैरह आपको चेंज करना है, इसी के अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, किस तरीके से आपको चाहिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको डायनेमिक आइसलैंड वाला फीचर्स देखने को मिल जाता है, जब भी आपका बैटरी परसेंटेज लो होगा या फिर आप चार्ज में इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डायनेमिक आइसलैंड शो करेगा ड्रॉप नॉच के अंदर। और भी दोस्तों आगे अपडेट आने के बाद यहाँ पे और भी फीचर्स ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो गाइस आईफोन वाला फीचर्स तो मिल जाता है इस फोन में, लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बटन देखने को मिलता है डाउन में, ये बटन हटा के आपको फुल स्क्रीन करना है तो सिंपल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टम नेविगेशन, इसको क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो बटन है उसमें आप काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको उल्टा कर सकते हैं या फिर गूगल असिस्टेंट वगैरह चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए गेसर करके ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, ये देखिए फुल स्क्रीन मोड हो गया है। इसे यूज़ कैसे करना है ये आपको दिखा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन से होम पेज में जाना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्वाइप अप कीजिएगा होम पेज में आ जाएगा, और कोई भी एप्लीकेशन से बैक करना है तो इस जगह से मतलब स्वाइप लेफ्ट या फिर राइट कीजिएगा तो यहाँ पर बैक हो जाएगा। रिसेंट बार ओपन करना है जैसे आप होम पेज में आए थे, ये देखिए स्क्रीन स्वैप आप करके होल्ड करके रखिए, ये देखिए रिसेंट बार में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, आप ये वाला फीचर्स काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स कोई भी एप्लीकेशन को आपको अगर डुअल करना है, जैसे 2 WhatsApp चलाना है आपको इस फोन में तो 2 एप्लीकेशन तो डाउनलोड होगा नहीं, इस फोन में आप डुअल कर सकते हैं। किस तरीके से करना है ये देख लिए, सिंपली दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स करके जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसे डुअल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक में यहाँ पे डुअल कर देता हूँ, इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे ये डुअल हो जाएगा, ओके ये हो चुका है। अभी आपको दिखाते हैं होम स्क्रीन में जाके, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं फेसबुक जो है ये डुअल हो चुका है, ये मेरा ओरिजिनल वाला है और जो डुप्लीकेट बना है ये वाला है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस लॉक ओपन होने के बाद ये जो स्क्रीन है स्क्रीन पे ही रहता है, डायरेक्ट ओपन नहीं होता है, ओके। इस तरीके से स्वाइप करने के बाद तब जाके यहाँ पे मेरा ऐप ड्रॉयर में आता है या फिर कोई भी काम कर रहा है उस पर जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आप ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए फिंगरप्रिंट ओपन करने के बाद भी यहाँ पे लॉक तो ओपन हो गया है, स्क्रीन पे एक पेज रहता है उसे स्वैप अप करके आपको एक्सेस करना पड़ता है जो भी एक्सेस कर रहे हैं। तो सेटिंग में जाना है, सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहले फेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना पैटर्न डाल देना है जो भी आप सेट किया है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा
इंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसे ऑन कर देना है। ऑन करने से ये होगा कि जब भी आपका फेस लॉक ओपन होगा यहाँ पे वो पेज नहीं रहेगा, जो लास्ट पेज पे ओपन थे वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा। ये देखिए ये लॉक ओपन हो गया और डायरेक्टली वही पेज पे मैं आ गया हूँ। ओके, और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट में भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट में जाना है आपको, सेम उसी तरीके से पैटर्न देना है और यहाँ पे देखिए इंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग है, इसे गाइस यहाँ पे ऑफ कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ अनलॉकिंग है ना, इस पर दोस्तों यहाँ पे लाइट टच कर दीजिए तो हल्का टच होने के बाद भी ये लॉक ओपन हो जाएगा, बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए हल्का सा टच करने के बाद भी ओपन हो जाता है और वो वाला पेज पे जो आ रहा है उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको वो वाला ऑप्शन जो ऑफ किए थे इसे ऑन कर देना है। ये वाला ऑप्शन दोनों में ही ऑन रहेगा, फेस लॉक में भी ऑन रहेगा और फिंगरप्रिंट में भी ऑन रहेगा। ओके, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं जब भी लॉक ओपन कीजिएगा ये डायरेक्टली लास्ट पेज पे जंप कर जाएगा। और नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स इस फोन में आपको यहाँ पे होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए भी काफ़ी ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से पिंच करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मोड का है। इस पर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होम स्क्रीन लेआउट है, क्या चाहिए आपको, 4:6 चाहिए या 5:5 चाहिए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल टैप टू लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो जब भी आपका कोई भी खाली वाला जगह है इस तरीके से डबल टैप कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा स्क्रीन। उसके अलावा गाइस बैक करने के बाद यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन मिलता है, जो भी एप्लीकेशन है आपके पास उसका शॉर्टकट यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए गूगल वाला जो पेज है यहाँ पे इस तरीके से शॉर्टकट। तो गाइस यही सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है रियलमी C55 फोन में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके मन में कोई भी और एक्स्ट्रा फीचर्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके पास ये फ़ोन है तो जरूर बताएं कमेंट में कि आप कहाँ से खरीदे और कितने में बाय किए हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।